मैं अपने अपना अपना टाइमलाइन बताऊंगा मैंने ग्रेजुएशन के पहले मतलब ग्रेजुएशन के टाइम पे भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स कवर किए थे लेकिन बेसिक बेसिक स्टफ उतना मैंने हार्ड को प्रपरेशन नहीं की थी तो एक तरह से फिर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की जून में मैं यहाँ आया जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की तो जून से मैंने आ, मैंने ये बनाया कि जो भी मेरी बुक लिस्ट है बुक लिस्ट आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर की बुक लिस्ट होती क्या है कौन कौन से सब्जेक्ट वो बताने की ज़रूरत नहीं है फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप इसके बाद पूछ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर तो आपने कोई बुक लिस्ट बनाई तो मेरा ये था कि एक दिन में मैं दो सब्जेक्ट पढ़ता था कि जैसे मान लो मेरा कोचिंग हुआ साढ़े दस तक मेरा कोचिंग हो जाता था आपका जो भी टाइम हो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं टेन थर्टी में मेरा कोचिंग खत्म होता था उसके पहले मैं कुछ नहीं पढ़ता था एट टू टेन थर्टी मैं यही पढ़ता था आ, मैं लगभग टेन फोर्टी फाइव तक घर पहुँचता था फिर मैं ग्यारह बजे से लेकर बारह बजे तक पेपर पढ़ लेता था मतलब न्यूज़ पेपर को एक घंटा आप जब भी आपको लगे कि वन आवर और मे बी दैट किसी किसी को दो या तीन घंटे लगते हो उसको थोड़ा रिड्यूस करो वन आवर में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए अलॉन्ग विथ नोट मेकिंग तो मैं 11 से 12 तक पढ़ता था 12 से ये समझ लो एक बजे तक या फिर आधा एक घंटा जो भी खाना वाना जो भी खाना है मुझे उसके बाद मैं एक से समझ लो कि पाँच या छः तक एक सब्जेक्ट कवर करता था कोई भी एक सब्जेक्ट जनरल स्टडीज का मे बी पॉलिटी फिर मैं छः बजे से लेके इसमें थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट वगैरह और रिक्रिएशन वगैरह हो जाएगा थोड़ा बहुत बीच बीच में छः बजे से बारह बजे तक इसमें दूसरा सब्जेक्ट मैं कवर करूँगा क्योंकि एक ही सब्जेक्ट इतना टाइम तक नहीं पढ़ सकते हैं बीच में हो सकता है आपको जो दो कोई सब्जेक्ट चूज़ करो मेरा हिस्ट्री अच्छा है तो मैं पहले हिस्ट्री चूज़ करूंगा और दूसरा सब्जेक्ट मैं वो चूज़ करूंगा जो मैं जिसमें मैं वीक हूँ फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट और जोग्रफी विच इज टेक्निकल इन नेचर तो मैंने जोग्रफी लिया हिस्ट्री पढ़ूंगा इतनी देर तक और एक से चार तक मैं पढ़ूंगा और चार और उसके बाद जो एक घंटा बचेगा उसमें जो पहले की चीजें पढ़ी हुई पूरा रिवाइज कर लूंगा और फिर छः बजे से बारह बजे तक मैं जोग्रफी पढ़ूंगा तो इसलिए में मुझे माइंड में मेरा ऐसा होगा कि यार दो सब्जेक्ट मैंने आज कवर कर लिए इतना सारा पढ़ लिया है बस वही माइंड में आना चाहिए कि आज बहुत पढ़ लिया है हमने पढ़ना भी एक्चुअली ऐसा नहीं कि बस कुछ भी पढ़ रहे और बोला कि हाँ पढ़ लिया मैंने तो माइंड में होना चाहिए आज बहुत पढ़ लिया है मैंने अब मैं अब राइट ट्रैक पे हूँ छः बजे से बारह बजे तक और यू कैन से ग्यारह बजे तक ग्यारह बजे से ग्यारह साढ़े ग्यारह तक जो बेसिक स्टेप होता है करंट अफेयर्स का जैसे कि इनसाइट्स का डेली करंट अफेयर्स पी फॉलो कर लिया पी की अगर जो मंथली पॉलिसी रिव्यू है वगैरह कुछ आया है तो साइंस मोनिटर का अगर कोई शो मिस हो गया है तो डाउन टू अर्थ या फिर कुछ भी जो मैं करंट के लिए ऑनलाइन स्टेप फॉलो करता था वो सारे मैं इन आधे घंटे में करता था और इसकी नोट मेकिंग भी कर लेता था साथ में करंट अफेयर्स की जो कॉपी होती है या फिर न्यूज़पेपर की जो कॉपी होती है उसमें और इसके बाद फिर कोई अगर बेसिक मिसलेनियस जो चीज़ें होती है फॉर एग्जाम्पल रिवर दे है या फिर नेशनल पार्क है बायोस्फेयर रिजर्व है जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं मिसलेनियस चीज़ें है, जिसमें से आमतौर पर हर बार एक दो क्वेश्चन आते हैं बायोम्स हैं उसमें से पढ़ सकते हैं अगर खाली टाइम इतना मिल रहा है तो या फिर इसी में जब आपको लगता है कि बहुत आप बोर हो रहे हो तो उसमें आप ये करो कि मेन्स के नोट्स बनाना शुरू कर दो जब आपको लगता है कि यार बहुत पढ़ लिया मैंने बहुत रेटारफिकेशन हो गया बहुत मेमोराइज़ कर ली चीज़ें अब कुछ और करते हैं तो उसमें मेन्थ्स का आप नोट्स बना सकते हो मेन्थ का जी एस वन टू थ्री आपके पास सिलेबस है सिलेबस पे जैसे कि सोसाइटी है तो कम्युनलिज्म है अर्बनाइजेशन है वुमेन एम्पावरमेंट है सोशल एम्पावरमेंट है इन सारे टॉपिक्स पे आप डेफिनेशन और जो अलग अलग डायमेंशन में नोट्स होते हैं वो मैं नोट मेकिंग में कवर करूंगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं तो जब भी आपको खाली टाइम हो जब भी आपको लगे कि यार स्पेयर टाइम में कुछ और करने की इच्छा नहीं हो रही है तो उसमें नोट्स बना के रख लो वो बहुत यूजफुल होंगे आपको बात के लिए क्योंकि आप आंसर राइटिंग तभी स्टार्ट करोगे जब आपके पास कंटेंट होगा आप टेस्ट सीरीज स्रे फिलियम्स की तब ज्वाइन करोगे जब आपने एक बार कम से कम सारी बुक लिस्ट को कवर किया है सारे सिलेबस को एक बार कवर कर लिया है सारे सब्जेक्ट्स को और मेंस के आंसर राइटिंग अब तब स्टार्ट करोगे जब मेंस के सारे टॉपिक्स हो फॉर एग्जांपल जी वन इज देयर तो जी वन के सारे टॉपिक्स को आपके पास नोट्स हैं और बेसिक कुछ ना कुछ फैक्ट डेटा मटेरियल कुछ ना कुछ है डायमेंशनल नोट्स हैं जिससे आप कुछ ना कुछ लिखोगे फोटर मटेरियल इन द सेंस तो जब भी आपका स्पेयर टाइम हो तो ये बनाने की कोशिश करो ये बेसिकली मेरा डेली स्केड्यूल होता था डेली में कुछ प्लान नहीं करता था कि आज मैं इतने चैप्टर्स कवर करने हैं लेकिन अगर कोई बुक है जैसे पॉलिटी है तो मैं एक टारगेट फिक्स करता था कि पॉलिटी को मुझे छह या सात दिन में कंप्लीट करना है जब मैंने लक्ष्मीकांत की फर्स्ट रीडिंग की ग्रेजुएशन के टाइम पे भी मैंने लक्ष्मीकांत को पढ़ने का कोशिश किया था लेकिन उससे मैं पढ़ नहीं पाया था क्योंकि तब उतना इंटरेस्ट नहीं होता जील नहीं होता अंदर से यार कि पढ़ना ही पढ़ना है तब मैंने पढ़ा तो एक दिन में पढ़ने में मुझे तीन या चार ही पेज पढ़ पाता था मैं क्योंकि लैंग्वेज बहुत टफ होती है तब ग्रेजुएशन के टाइम पे और इतना कुछ समझ में नहीं आता तो मैं छोड़ो यार बाद में पढ़ेंगे जब पढ़ना होगा तो लेकिन यहाँ जब पढ़ने आया तो पूरा कॉन्फिडेंस था मोटिवेशन था अंदर से कि करना है खत्म करना है तो मैंने पहली पहली रीडिंग इसकी साथ ही आठ दिन में कम्पलीट की तो मैंने उसका ऐसा किया कि उसका इंडेक्स देखना सब इंडेक्स में पूरा दिया हुआ है कि फर्स्ट पेज के कितने पेजेस में है वन पॉइंट वन टू वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव टू पॉइंट वन टू टू पॉइंट सिक्स ऐसे पेजेस दिए हुए हैं तो मैं पेजेस देख के ये काउंट करता था कि मेरा ये टारगेट होता था कि एक दिन में पचास से साठ पेज में कंप्लीट करूँ अब वो कितने भी चैप्टर्स हो सकते हैं हो सकता है फर्स्ट पेज में ट्वेंटी चैप्टर ट्वेंटी पेजेस हों सेकेंड चैप्टर में हो सकता है कि ट्वेंटी पेजेस हों थर्ड में टेन फोर्थ में टेन और फिफ्थ में टेन तो ये हो गया सेवेंटी पेजेस इसमें से मैं इसको स्किप कर दूंगा और चार चैप्टर्स में कंप्लीट करूंगा क्योंकि मेरा सिक्सटी पेजेस का टारगेट है ऐसे करके मैंने पहले ही फिक्स कर लिया इंडेक्स में टिक कर दिया मैंने कि फर्स्ट टू सिक्स चैप्टर फर्स्ट डे सेवंथ टू ट्वेल्थ चैप्टर सेकेंड डे ट्वेल्थ टू हो सकता है ट्वेंटी चैप्टर थर्ड डे ऐसे करके मैंने सात या आठ दिन में मैंने टारगेट बनाया कि कंप्लीट करना है वो कैसे भी करना है अगर आज मैं केवल एलेवंथ तक पढ़ पाया पाए और ट्वेल्थ चैप्टर नहीं हुआ है तो अगले दिन मैं ट्वेल्थ से स्टार्ट करूंगा लेकिन टारगेट होगा भी ट्वेंटी तक मैं जाऊँ तो मेरा ये टारगेट होता था कि सिक्सटी पेजेस मुझे एक दिन में पढ़ने हैं ऐसे आप स्पेक्ट्रम जैसे अगर पढ़ रहे हो तो स्पेक्ट्रम में भी आपका इंडेक्स है कि कितने पेजेस हर चैप्टर में है आप एक टारगेट बना सकते हो कि आज मुझे स्पेक्ट्रम थोड़ी ईजी है तो उसके एटी टू नाइन्टी पेजेस आप एक दिन में पढ़ सकते हो जब आप दो सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ रहे हो तो और अगर एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें थोड़े पेजेस आप बढ़ा सकते हो क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है आपको तो मैंने ऐसा टारगेट बनाया कि सिक्सटी पेजेस एक दिन में एंड देट मेक्स आई थिंक थ्री हंड्रेड सिक्सटी और फोर ट्वेंटी पेजेस इन सेवन डेज तो ऐसे करके मैंने सात आठ दिन में कंप्लीट किया और जो बेसिक बेसिक चीज़ें थी वो छोड़ दी जिसकी कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की क्योंकि मुझे सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर पता था कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं कौन सी चीज़ें छोड़ने वाली हैं तो मैंने ऐसी पॉलिटी खत्म की फिर ऐसी स्पेक्ट्रम में जब मैं पढ़ने गया तो मैंने टारगेट बनाया कि ये इतनी इतनी पेजेस इतने इतने दिन में खत्म करूँगा ऐसे आप भी वीकली या फिर जो भी आप स्कड्यूल बना सकते हो आप और बुक्स को ऐसे कवर कर सकते हो और जब आप मेंस के नोट्स बनाओ तो उसका आप टारगेट बना सकते हो कि जीएस वन के नोट्स में दस या पंद्रह दिन में कंप्लीट करूंगा, जीएस टू के नोट्स में पंद्रह या बीस दिन में कर लूंगा पूरा सारे टॉपिक्स पे।